नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत बेलचंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम टारगेट टाइम्स के इन 10 टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रीन एयरपोर्ट। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रीन एयरपोर्ट। भारत का कोच्ची पोर्ट भारत का कोच्ची पोर्ट देश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट बना। भारत का कोच्ची पोर्ट सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम एयरपोर्ट बना। ठीक है, तो आते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर सड़क जागरूकता हेतु अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। सड़क जागरूकता हेतु अभिनेता अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ठीक है, अब आते हैं आज के हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत। तो आइए देखते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। यह 15 अगस्त 2018 को शुरू किया गया। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा, जो कि 15 अगस्त 2018 को लागू किया गया। ठीक है, तो आते हैं आज के हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है रिमपैक। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है रिमपैक। 28 जून 2019 को अमेरिका में आयोजित यह एक सैन्य अभ्यास है। रिमपैक 28 जून 2019 को अमेरिका में आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। यह इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इस बार चीन ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तो यह चर्चा में बना रहा। 28 जून 2019 को अमेरिका में आयोजित यह एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है रिमपैक। यह इसलिए चर्चा में बना रहा क्योंकि चीन ने इसमें इस बार भाग नहीं लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें इस बार चीन ने भाग नहीं लिया था, इसलिए यह चर्चा का विषय रहा। ठीक है, तो आते हैं आज के हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दोस्तों स्किल यूनिवर्सिटी 28 जून 2019 को राजस्थान सरकार के द्वारा देश के प्रथम कौशल विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई गई। विश्व
विद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। स्किल यूनिवर्सिटी 28 जून 2019 को राजस्थान के राजस्थान में देश के प्रथम कौशल विश्वविद्यालय खोलने की योजना की गई, जो कि राजस्थान के जयपुर के जामडोली जयपुर में खोलने की योजना बनाई गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्किल यूनिवर्सिटी 28 जून 2019 राजस्थान सरकार के द्वारा देश के प्रथम कौशल विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई गई है, ठीक है। तो आते हैं आज के हमारे अगले टॉपिक पे। आज का हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट टेलीफोन, ठीक है। इंटरनेट टेलीफोन, ठीक है। इंटरनेट टेलीफोन 11 जुलाई 2018 को बीएसएनएल देश का ऐसा प्रथम नेटवर्क बन गया जिसने यह योजना प्रारंभ की, ठीक है। 11 जुलाई 2018 को बीएसएनएल देश का प्रथम ऐसा नेटवर्क बन गया जिसने यह योजना चालू की, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं, इंटरनेट टेलीफोन, ठीक है। इसके विंग्स मोबाइल ऐप के द्वारा हम किसी भी कोने से संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट टेलीफोन 11 जुलाई 2018 को देश का ऐसा नेटवर्क बना बीएसएनएल जिसने यह सेवा प्रारंभ की। इसका एक ऐप है विंग्स मोबाइल ऐप, जिसकी सहायता से हम कहीं से भी किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम आज के अपने अगले टॉपिक पे। आज का हमारा अगला टॉपिक है खेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। खेल यूनिवर्सिटी 1 जून 2018 को देश के प्रथम खेल यूनिवर्सिटी इम्फाल के मणिपुर में देश के प्रथम खेल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मंजूरी दे दी, देश के प्रथम खेल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए मणिपुर में 1 जनवरी 2018 को हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अध्यादेश पर मंजूरी दे दी, ठीक है। तो आते हैं आज के हमारे अगले टॉपिक पे। आज का हमारा अगला टॉपिक है किशन गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। किशन गंगा प्रोजेक्ट क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में इस परियोजना को देश को समर्पित किया गया है, ठीक है। किशन गंगा प्रोजेक्ट
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में इस योजना को 19 मई 2019 को देश को समर्पित किया गया। इसकी क्षमता 330 मेगावाट है। ठीक है, किसान गंगा प्रोजेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में 19 मई 2019 को देश को यह योजना समर्पित किया गया। इसकी क्षमता 330 मेगावाट है। ठीक है, तो आते हैं आज के हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है आईएनएस तारणी। आईएनएस तारणी दोस्तों समुद्री रास्ते से। आईएनएस तारणी एक नौका है। आईएनएस तारणी नौका से समुद्री रास्ते से। ठीक है, समुद्री रास्ते से विश्व भ्रमण 21600 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, 21600 किलोमीटर आईएनएस तारिणी नौके से समुद्री रास्ते से विश्व भ्रमण में 21600 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, इसका नेतृत्व वर्तिका जोशी ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, वर्तिका जोशी ने इसका नेतृत्व किया और 21 मई को यह इस रिकॉर्ड को बनाकर गोवा पहुंचा। ठीक है, 21 मई को यह गोवा पहुंचा। आईएनएस तारिणी नौका से समुद्री रास्ते से विश्व भ्रमण करके 21600 किलोमीटर का विश्व भ्रमण करके वर्तिका जोशी के नेतृत्व में 21 मई को यह गोवा पहुंचा। ठीक है, तो आते हैं आज के हमारे आखिरी टॉपिक पे। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है रचा इतिहास। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा आखिरी टॉपिक। ठीक है, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है रचा इतिहास। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा अगला और आखिरी टॉपिक यह है रचा इतिहास। हमारे देश की पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 17 जनवरी को सुखोई नामक लड़ाकू विमान ठीक है, सुखोई नामक लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा। हमारे देश की पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 17 जनवरी 2019 को सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भर के रिकॉर्ड बनाया या फिर इतिहास रचा। ठीक है, 17 जनवरी 2019 को सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा। तो इसके साथ ही हमारा आज का आखिरी टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।